हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वर्जन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में बताया था पुराने वीडियो में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, तो आज हम लोग दोस्तों आपके मन में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती होगी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन करते हैं और किस वे में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम मार्केट में जो भी फंड अवेलेबल है जिसको कहते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नॉर्मली आज के टाइम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसको हम लोग NSE भी बोलते हैं, NSE। अब दोस्तों, जो NSE है ये हमें आज के टाइम इन्वेस्ट करने का मौका देती है थ्रू ETF। ETF इज की जो ट्रेडिंग होती है नॉर्मल स्टॉक्स की तरह होती है, ड्यूरिंग डे टाइम कभी भी आप उसको ETF परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इट इज़ लाइक अ नॉर्मल स्टॉक, इट इज़ लाइक अ नॉर्मल स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आज के टाइम जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसने चार तरीके का ETFs लॉन्च कर रखे हैं। पहले को कहते हैं इक्विटी, दूसरे को कहते हैं गोल्ड, तीसरे को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथे को कहते हैं वर्ल्ड इंडेक्स। दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है ये चार तरीके का जो ETF है, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विटी, गोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड इंडेक्स। तो हम लोगों के पास चार तरीके के ETFs होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज के टाइम दोस्तों, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है वो होता क्या है, तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हम लोग जो भी मार्केट में पैसा डालते हैं उसमें वो उस वे में इन्वेस्ट होता है। तो पहला जो हम लोगों का कैटेगरी है जिसको कहते हैं इक्विटी ETF, यानी इक्विटी में ETFs होते हैं, उसकी भी कई सारी कैटेगरी होती है। तो दोस्तों, इक्विटी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा नॉर्मल शेयर्स। अब नॉर्मल शेयर्स में दोस्तों कई सारी कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे बैंकों के शेयर हो गए, जैसे निफ्टी 50 हो गया, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो दोस्तों, ये सारी जो कैटेगरीज है इसको हम लोग दोस्तों ETF के अंदर लाते हैं, और ये सारा जो सेक्शन आता है वो इक्विटी के अंदर आता है। इक्विटी मतलब दोस्तों क्या होता है, इक्विटी मतलब दोस्तों होता है इक्विटी मतलब जहां पे हम लोगों का डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आज के टाइम दोस्तों जो ETF है उसके चार अलग अलग फॉर्म्स भी हैं। दूसरा होता है दोस्तों जिसको कहते हैं गोल्ड ETF। गोल्ड मतलब जैसा कि आप सभी लोगों को लगता है इंडिया में गोल्ड से काफी ज्यादा सेंटिमेंटल और एक काफी ज्यादा एक बिलीफ है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर दोस्तों आज आप घर बैठे बैठे फिजिकल गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करके गोल्ड रिलेटेड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा बखूबी पूर्वक अच्छे से गोल्ड के फॉर्म में, बट वो डीमैट अकाउंट में होगा, ETF के थ्रू इन्वेस्ट होता है। अब दोस्तों, ETF में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ETF में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनके ETFs हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं थ्रू लमसम, थ्रू SIP, दोनों रूट के थ्रू हम लोग बाई कर सकते हैं ETF, और डायरेक्टली ETF भी अगर आप शेयर मार्केट में नॉर्मल रूट के थ्रू बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा चीज है दोस्तों जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ETF। जो इंफ्रा ETF है वो कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट होता करता है, तो जो इंफ्रा रिलेटेड ETF है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज उसमें दोस्तों आज के टाइम इंफ्रा ETF है। बट इंफ्रा रिलेटेड ETF में वही इन्वेस्ट करते हैं जिनको इंफ्रा में प्यार है। सपोज लैंड, रियल एस्टेट में अलग अलग फॉर्म्स की कैटेगरियां हैं जिसमें हम लोग दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ETF। अब दोस्तों, जो इंफ्रा लवर्स हैं या जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, रियल एस्टेट सेगमेंट में अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके स्टॉक मार्केट के इस रूट के थ्रू ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रा ETF। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ETF भी आज के टाइम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में एज अ इन्वेस्टर। दोस्तों, जो चौथा है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इंडेक्स ETF, जैसे हांगकांग की मार्केट है, जैसे जापान की मार्केट है, जैसे US मार्केट है, उसके भी इंडेक्सेस में आज के टाइम इन्वेस्ट कर रही है इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनियां थ्रू द फॉर्म ऑफ ETF। तो जो लोग इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू अ सिंपल रूट ऑफ ETF, उनके लिए दोस्तों वर्ल्ड इंडेक्स ETF अवेलेबल है। तो ETF इन शॉर्ट क्या हुआ, जिसको
मार्केट में बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए तो आप फिजिकल में ना डाल के आप यहाँ पे डीमैट फॉर्म में ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपका पैसा उसी सेक्टर में और उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट हो रहा है जो कि स्टैंडर्डाइज है। तो दोस्तों ETF के डिस्क्लोजर लेने के लिए हर म्यूचुअल फंड की कंपनी को, हर AMC को जिसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसको कहते हैं देयर इज अ डिक्लेरेशन गिवन बाय ऑल कंपनीज, और जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कंपनियां मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं। दूसरी चीज, कंपनियों के एस्टैब्लिशमेंट के बाद जब उनको SEBI अप्रूवल देती है उसके बाद वो लोग ETF के प्लान लॉन्च करते हैं जिसमें आपका हमारा पैसा लगता है। अब दोस्तों आपके मन में दो रूट्स आ रहा होगा, कैसे हम ETF में इन्वेस्ट करें और कब करें। तो दोस्तों ETF बहुत ही सिंपल तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ETF में मैंने आपको बताया था पहला कि एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक होता है लमसम। लमसम मतलब सपोज आपको एक टाइम पे पैसा डालना है एज अ फॉर्म ऑफ FD, तो उसमें आप लमसम रूट यूज कर सकते हैं। SIP इज ऑल्सो नोन एज रिकरिंग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारा SIP है। ठीक है, तो आज के टाइम हमारे पास दो ही वेज हैं ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, थ्रू म्यूचुअल फंड, और डायरेक्ट ETF को भी आप बाय और सेल कर सकते हो यूजिंग योर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप ETF में इन्वेस्ट करते हो, और ट्रेडिंग करके भी आप ETF बाई कर सकते हो और प्रॉफिट होने पे सेल कर सकते हो। बट क्या आपको ETF में आज ही इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मुझे लगता है एवरीवन हैज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ETF। दोस्तों अब मैं इसी वीडियो में आपको चार फायदे बताऊंगा ETFs के, क्यों हम ETF में इन्वेस्ट करें, क्यों मैं आपके लिए ETF इतना ज्यादा फोकस में लेके आया हूं। पहली चीज जो ETF में इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो लोअर फीस। दोस्तों आपको पता है आज के टाइम जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो लोग काफी ज्यादा फीस चार्ज कर रही थी और करती हैं आपसे और हमसे और हमारे फंड मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों चूंकि ETF में क्या है कि जो भी फंड है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही है, तो उसमें फंड मैनेजर का रोल जीरो हो जाता है, ना के बराबर होता है, तो इसलिए उसकी जो फीस होती है ऑलमोस्ट लोअर होती है या नेग्लिजिबल होती है, जैसे 0.15 बेसिस पॉइंट्स या 0.15%, तो 100 रुपए में मात्र 15 पैसे का ही हमें एज अ फीस देना पड़ता है। तो ETFs आर वेरी चीप। आज के बाद हमेशा याद रखिए चीप चीजों में इन्वेस्ट करके क्या फायदा है कि अपना रिटर्न ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि दोस्तों अगर एक्सपेंसिव होगा फंड मैनेजमेंट फीस तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने रिटर्न से ही पे करना होगा। दोस्तों जो दूसरी चीज है जिसको कहते हैं ETFs आर एब्सोल्युटली पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ETF में एक फंड मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए जो भी आज के टाइम शेयर्स के प्राइसेस हैं, जो भी इंडेक्स के प्राइसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज के टाइम पैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ ETF। तो ETF में पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, और पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज हाईली रिकमेंडेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में अभी तक पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट आया नहीं है, पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं एक दिन वो दूर नहीं है कि जब इंडिया में पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू ETFs विल ऑल्सो बूम। आप सभी को इसका योगदान देना है और सभी को इसका फायदा उठाना है, क्योंकि दोस्तों फंड मैनेजर हो सकता है गलती कर दे, बट ETF स्पेशली इक्विटी के ETF, जो निफ्टी के ETF हैं, वो कभी भी फेल नहीं होती, क्योंकि वो देश की दशा को बतलाते हैं, वो देश की चाल को बतलाते हैं, उसमें दोस्तों फंड मैनेजर का रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए काफी सिंपल है, काफी सरल है। दोस्तों तीसरा फायदा है ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब कस्टमर के पास लिक्विडिटी है, कस्टमर किंग है, कस्टमर कभी भी बेच सकता है, कस्टमर कभी भी खरीद सकता है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है ETFs में। तो सबसे अच्छी चीज आज के टाइम जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो लोग SIP भी कर रहे हैं उनके लिए है ETF में इज द अमाउंट ऑफ फंड विच इज नोन एज ओपन एंडेड। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ETF इज सिंपल, वेरी सिंपल एंड इट इज अ इजी गोइंग प्रोडक्ट। आज के टाइम दोस्तों सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है इन्वेस्टर की लाइफ में सिंप्लिसिटी का, आज के टाइम आपका जो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको कभी भी ETFs के बारे में रिकमेंड नहीं करता। उसका दो रीजन है, पहला उसके ऊपर उसकी ब्रोकरेज कम होती, दूसरा ETF के ऊपर अभी तक इंडिया में फोकस किया नहीं गया है। पर दोस्तों मेरे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन इंडिया में ETFs भी काफी बूम करेंगे। अब मैंने तो आज से ही अपना ETF में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, क्या आपने किया है, नहीं किया है, और आप करना चाहते हैं, और कोई भी ETFs इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डाउट है तो आज ही हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों इसी के साथ ही मैं ये ETF के एडवांटेजेस को समाप्त करता हूं इस वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको चार पार्ट्स में ETF के डिटेल स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कहां कहां और कौन सा ETF है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।